झाड़ीबाजी करते हुए पकड़ा गया है लुंडा। क्या कर रहे थे आप? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में होंगे, सेफ होंगे। तो ये ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैंने अभी अपने फ्रेंड से बात करी, उसने मेरे को बताया कि चैनल भी क्या चल रहा है। तो मैंने उसको कहा ऐसा कुछ खास तो नहीं, ब्लॉग के अलावा सब चल रहा है। और मेरे चैनल का नाम है विनय तिवारी ब्लॉग्स। तो आज के दिन मैं अपना होम क्वारंटीन कैसे करता हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी क्या दोस्तों, मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि क्वारंटीन में आपको सबको दिखाऊँगा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें, पर जो चीज़ मैं करता नहीं तो वो मैं दिखा नहीं सकता। बाकी मैंने ट्राई किया था, हुई नहीं, अपने से थक गए, अपन बैठ गए। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। ब्लॉग बनाने का आइडिया कल रात को ही आ गया था दोस्त से बात करने के अलावा, मतलब दोस्त से बात करने के बाद। बाकी अब होम क्वारंटीन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं अकेला हूँ। ये मेरा ये घर का 3rd फ्लोर है, तो मैं बताता हूँ अपना घर। तो दोस्तों ये है मेरे घर का 3rd फ्लोर और ये है मेरा रूम। तो इसको अपन खोलते नहीं हैं, अपन यहाँ से जाते हैं उचक के। ये तो ये रूम आप जैसे देख सकते हैं कि खाली है। बेसिकली ये घर वालों ने रेंट पे देने के लिए बनाया था, पर अभी कोई नहीं है तो ये अपनी सल्तनत का एक कमरा है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि ये आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हो सका क्योंकि अभी क्या हमारे घर का काम चल ही रहा था, पर ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से हमने इसको कंटिन्यू नहीं किया। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ। बस मेरा कहना यही है कि जो भी तबलीगी जमात के लोगों ने किया है वो 100% गलत है। आप अपने देश के नागरिक पहले हैं, तो आपको जब गवर्नमेंट ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मतलब करनी है, पर आप नहीं माने, आपके ऊपर केस होना चाहिए। और मैं तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जी के पक्ष में हूँ, उन्होंने पहले ही बोला था कि जैसे देश के कट्टरों को, देश के कट्टरों को, देश के कट्टरों को। तो दोस्तों एक गुड न्यूज भी है अपने पास, जो अपन ने कोरोना का ग्राफ है अपना वो धीरे धीरे के कंट्रोल में आ रहा है। परसों के दिन की बात है, लगभग 800 मरीज मिले थे अपने देश में और कल के दिन मात्र 500 मरीज मिले हैं। और ऐसे बात नहीं है कि जाँचें नहीं हो रही, अपने यहाँ जाँचें हो रही हैं। अपने को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट का जो इतना सपोर्ट कर रही है। पर दुख की बात भी ये है कि 64 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और 468 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये अपने पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की मतलब मेहरबानी है कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। तो दोस्तों दिस मेड माई डे, जाकिर खान लाइव आ चुके हैं गुरु गोपाल दास गुरु जी के साथ, इनके वीडियो आपने देखे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, 12 बज चुकी है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ, पर नहाना पड़ेगा, घर पर बैठे क्वारंटीन कर रहे हैं तो नहाना जरूरी है और खाना भी है सबसे जरूरी बात। चलिए तो फिर नीचे चलते हैं। ओके भैया, चलिए दोस्तों नीचे चल रहे हैं अपन। तो ये वाला रूम मेरे भैया का है, उसमें काम वाम करते हैं कुछ। चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। झाड़ीबाजी करते हुए पकड़ा गया है लुंडा। क्या कर रहे थे आप? पब्लिक जानना चाहती है, दिखाइए कोई किस प्रकार की वीडियो देख रहे थे आप। सही में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, व्लॉगिंग चैनल पे डालूंगा अपने कंप्यूटर के सामने गूगल चालू करके। मला माफ करी दे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं, हमने रंगे हाथों पकड़ा है, हाथ जोड़ रहे हैं पर माफी नहीं मिलेगी इनको। टिंडर को टेक करूंगा मैं। ये थे अपने भ्राता श्री। ये ब्लॉग बनाने की इच्छा थी पर हुआ क्या, मैं नीचे आया, मैंने खाना बना रखा था, अपन ने खाना खाया, टीवी चल रही थी। खाते खाते एक चीज होती है उसे कहते हैं नींद, वो आ गई और अपन गए सो। और अभी उठे 4:30 बजे, फिर देखा अपने को तो ब्लॉग बनाना है। तो अगर आप भी वो लोगों में से वो जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, तो आप प्रमोद भाजन को जानते होंगे। आज मैंने उनकी वीडियो देखी, उनकी जो स्पीचें देखी, मेरे हिसाब से उनके लेवल की पॉलिटिक्स कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अभी के दौर में तो कोई है ही नहीं।
तो मैं सजेशन करूँगा आप सभी लोगों को कि एक प्रमोद महाजन करके स्पीच सर्च करें, खासकर वो पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्पीच दी थी जो मैं आपको दिखाता हूँ। ही बिलोंग्स टू द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स पूरा वीडियो नहीं डाल सकता तो लिंक दे देता हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके देखिए। शाम अब जा रहे हैं हम छत पे, तो कुछ ऐसा लुक है हमारी छत का, व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ तक आप नोटिस करेंगे। तो के नाम जब अपन प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो होटल में इनके नाम कर देंगे। और यहाँ से छत से दिखता है अपना होलकर स्टेडियम, जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, IPL मैच हो रहे होते हैं उस समय, बाकी लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। और आगे से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का लुक है। तो दोस्तों वीडियो आपको किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिए। और आप बताइए कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सा नहीं आया, क्योंकि ये पहला व्लॉग है अपना, आप बताएंगे वैसे ही अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।